हम उन रिएक्शंस की बात करते हैं जो अल्कीन की होती हैं। बड़े पुरानी बात है, एक अल्कीन था, ठीक है, दुनिया में अच्छे से जी रहा था, मगर इसमें एक कमी थी। क्या कमी थी? इसमें पाई बॉन्ड था, और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक। पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक। इस कमी को अंग्रेजों ने देखा, इस कमी को क्या करा अंग्रेजों ने देखा, ठीक है। और जब इन्होंने अंग्रेजों ने देखा तो उस पर एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया? एसिड डालने से क्या होगा? देखो, जो वीकनेस है वही टूटती है। वीकनेस क्या है? पाई बॉन्ड। तो क्या हुआ कि जो नेगेटिव पार्ट था वो उस कार्बन से जाके जुड़ गया जहां हाइड्रोजन कम थे, और जो पॉजिटिव पार्ट था उस हाइड्रोजन से जाके जुड़ गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे। समझ आया? और ये जो पाई बॉन्ड थे ये खत्म हो गए, और उनकी जगह ली किसने? सिग्मा बॉन्ड्स ने। किसने ली? सिग्मा बॉन्ड ने, ठीक है। तो पाई बॉन्ड टूट गए और उसकी जगह ली किसने? सिग्मा बॉन्ड ने। क्या हुआ इस HCl का? एडिशन हुआ। क्या हुआ? तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है? बोलो, एडिशन रिएक्शन है। क्या है? बोलो, क्या है? बोलो, एडिशन रिएक्शन है। आ रहा है समझ में सबको? ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो एडिशन रिएक्शन है। अब इसका क्रेडिट लेने पहुंचा कौन? मार्कोनिकॉफ। कौन पहुंचा? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ ने कहा कि जब भी एडिशन होगा तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। समझ आया? फिर ये तो हुई बात अंग्रेजों की। अब हम जैसे इंडियन लोग, एनजे बाबा ने और सोचा कि यार एसिड ने क्या किया होगा। सबसे पहली बात, एसिड टूट गया होगा, और टूट के क्या बना लिया होगा? H प्लस सी एल माइनस, ठीक है। अब इसमें देखो, H प्लस और सी एल माइनस में से अल्कीन को कौन पसंद है? देखो ये नेगेटिव है, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो अगर सी एल माइनस यहां आएगा तो क्या होगा? दे रिपेल, दे रिपेल, रिपेल, तो ये नहीं जाएगा, इसको भगा दिया जाएगा, भाग यहां से। तो जो H प्लस है उसको मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, दे ये H प्लस और अल्कीन, दे अट्रैक्ट। समझ में आया? अब जब ये अट्रैक्ट करता है तो इससे साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, तो दो केसेस बन सकते हैं। या तो H प्लस राइट वाले कार्बन से जुड़ जाए, यस और नो? एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो पाई बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पर तो आ गया प्लस और इस कार्बन पर आ गया माइनस। इज दिस क्लियर? और फिर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। समझ में आया? तो इन दोनों ने तो क्या बना लिया? सिग्मा। और बीच वाले कार्बन पर क्या आ गया? प्लस। नहीं आया। अब समझ में आया कि सीएल माइनस क्यों इसके पास नहीं आया? क्यों? ये भी नेगेटिव है पाई इलेक्ट्रॉन, सीएल माइनस भी नेगेटिव, एंड दे रिपेल, दे रिपेल, ठीक है। तो एच प्लस, समझ गए? अच्छा, दूसरी बात, कार्बोकेटायन यहां क्यों नहीं बना? ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ एकदम फर्जी आदमी था, कुछ भी बोल रहा, नेगेटिव वहां जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। क्या है? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। अब क्या है? ये बन चुका है सिमरन, ठीक है। क्या बन चुका है? सिमरन। और ये क्या बन चुका है? अमरीशपुरी, ठीक है। क्या बन चुका है? अमरीशपुरी। और इससे कौन बॉन्ड बनाने आ रहा है? शाहरुख खान। नहीं राहुल, नहीं, दूसरी बात है ये, ठीक है। तो अब ये, ठीक है, काजोल और ये शाहरुख खान। तो ये बाबूजी मुझे जाने दो। बोले बाबूजी मुझे जाने दो बाबूजी। तो फिर अमरीश पुरी बोलेगा, जाओ सिमरन, जाओ जी ले अपनी जिंदगी। तो ये क्या होगा? आपस में बना लेंगे बॉन्ड, और ये हो जाएगी स्वाहा। क्या हो जाएगी बच्चों? आया समझ में? बहुत सिंपल है, कार्बोकेटायन बनेगा। जहां जहां कार्बोकेटायन बनता है वहां वहां ये क्लासिकल बनता है, कंप्लीट।
क्या बनता है, कंप्लीट। और जहां कंप्लीट कार्बोकेटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट हो सकता है, मार्कोनिकोव रूल से भी कर सकते हैं, मगर परफेक्ट रहेगा कार्बोकेटायन बना के करना। इन दोनों में से स्लो कौन है, स्लो स्टेप कौन है, फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटायन का बनना, आया समझ में? तो जो स्टेप स्लो है वो डिटरमाइनिंग स्टेप है, और कार्बोकेटायन बनने के बाद रीअरेंज हो सकता है अगर मौका मिले तो। मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन। आया समझ में? तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन किए जाए, पहले मैं अपने क्वेश्चन कराता हूं फिर पीवाई क्यू करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो बच्चों लिखो क्वेश्चन, कंपेयर। पहले प्रोडक्ट वाली बात कर लेते हैं। आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि सर बहुत मजाक करते हैं? अच्छा उधर से लिखो। ओ आई एम सॉरी। प्रभु हमारे गुरुदेव कमाल हैं। पाई बॉन्ड के पास क्यों शिफ्ट हुआ? यस, मेरी बात सुनो प्रिंस बाबू। प्रिंस बाबू देखो, जो भी यहां पर वीक है वही शिफ्ट होगा। यहां तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, तो ये बन गया काजोल, ये बन गया अमरीश पुरी, समझ गए? और जो हमारा समझ रहे हो H प्लस है वो यहां आ जाएगा। दूसरा इधर शिफ्ट हो सकता है, तो अगर ये इधर शिफ्ट होता है तो क्या होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और यहां होता है तो 2 डिग्री बनेगा। मोर स्टेबल कौन है? तो ये बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? प्रिंस बाबू का कमेंट ऊपर चला गया क्या? हाँ अभी लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्रिंस बाबू, समझ गए? बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताना है। फूजिया है मस्जिद, मेरी तरफ से भी इमोजी डाल दो, वीओडी में ऑप्शन नहीं हो रहा। वो बता दिया है, देंगे है सर, वो बता देंगे। यस, नहीं जल्दी जल्दी करो, हो गया क्लियर है? पहला तो हो गया होगा सबसे, yes, सबसे पहले H प्लस डी माइनस बी बार माइनस H प्लस आई माइनस। H प्लस कहां जोड़ोगे बोलो, राइट में कि लेफ्ट में? मार्कोनिकोव का रूल फॉलो कर सकते हो क्योंकि कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा है। ठीक है, बी आर माइनस कहां जोड़ोगे बोलो, बीच में, तो यहां एच यहां बी आर, बोलो ठीक, मजा आया, इज दिस क्लियर? अब बताओ आई माइनस कहां जोड़ोगे, राइट के लेफ्ट, यहां क्या जोड़ू, बोलो ठीक, समझ गए? तुमसे पूछ रहा हूं, यस। अब इसमें देखो, इसमें H प्लस है, Cl माइनस है, और एक्वस लिखने से पानी भी आ गया, क्या आ गया, पानी। तो जो H2O है वो क्या है, सुनो, ये न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, समुद्र है ये। Cl माइनस ये क्या है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल अकेला कौन है, H प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ेगा और कार्बोकेटायन बनेगा। अब इस कार्बोकेटायन के पास चॉइस है, और जब चॉइस होती है तो चॉइस लेते हैं, तो ये कार्बोकेटायन बोलेगा जालिमा कोका कोला पीला, ये सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो वो जाकर के जुड़ते हैं और इससे प्रोडक्ट बनता है, क्या मेजर प्रोडक्ट, क्या बनता है बोलो, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत है ज्यादा है, इसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो Cl- के जुड़ने से बनेगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ,
ये प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में बनेगा। तो कभी 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 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये समझ में आया कि ये मेजर क्यों बना? समझ में आया? जैसे मान लो एक वेस्ट इंडियन, ठीक है, एक वेस्ट इंडियन जो है राजस्थान में आ गया। अब राजस्थान में 5 वेस्ट इंडियन और हैं और 10 लाख कोटा के अंदर अपने लोकल लोग हैं, तो उस वेस्ट इंडियन की मुलाकात दूसरे वेस्ट इंडियन से हो उसके कितने चांस हैं? और एक बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। और जो लोकल लोग हैं उनसे मुलाकात हो, ये भी ऐसे ही बन गया है कार्बोकेटाइन, ठीक है, एक समुद्र में कार्बोकेटाइन बन गया है और उसके आसपास H2O भी है, Cl- भी, लेकिन ये बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा है, तो ये जाकर के जुड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? लास्ट बेंच क्लियर है? तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? मोर परसेंटेज या मेजर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? बोलो, माइनर प्रोडक्ट। समझ में आया? क्लियर है? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, H+H2, H+ROH, H+PHOH, ये सब क्या है? सॉल्वेंट है। ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल भी है। आंसर लिख सकते हो? लिखिए ना, जल्दी जल्दी लिख लिए, ठीक है, बढ़े आगे। ओके, थोड़ा सा नीचे करो तो जरा कम बनाएंगे, एक मिनट जरा, नहीं ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे 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 कम बनाएंगे, मगर बनेगा, बट इंपॉर्टेंट H2 से बनाएंगे। यस, लराइब तभी इसको सब पता है। इसका आंसर लिखूं? तो क्या आंसर आएगा? बोलो, यहां OH आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? बोलो, OR। इसका आंसर क्या आएगा? बोलो, OPH। बच्चों H+ जाएगा, इज दिस क्लियर? तो यहां क्या आएगा? बोलो, लास्ट बेंच। कुछ समझ में आ रहा है? पर अच्छा लगा, बनाया ये खुद से? सच बताना, मैं नोटबुक चेक करने आ जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े। ना 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 ना, सिंगल एटम है ना वो, ओनली वन एटम। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो बच्चों, हम दूसरे जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कंपैरिजन ऑफ रेट। कंपैरिजन ऑफ रेट, रेट किससे डिसाइड करेंगे? आरडीएस से। आरडीएस से क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना रेट ज्यादा। कौन सा कार्बोकेटाइन पहली बार में जो बने वो पहला कार्बोकेटाइन, रीअरेंज होने के बाद जो बने उससे नहीं, किससे डिसाइड करेंगे? जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन होगा उससे। आ रहा है समझ में? तो एक बार जरा चेक करिए ना, कंपेयर रेट, ठीक है, रेट को कंपेयर करना है। तो ये ए पार्ट है, ठीक है, ये बी पार्ट है, हैं जी, टफ टॉपिक है ये, हैं जी, टफ टॉपिक है, ये दोनों इक्वल है। वक्त तो बच्चों दो ही कटेंगे जिंदगी में, एक तुम्हारे आने से पहले, एक तुम लोगों के जाने के बाद। छोड़ो, फिर रहने दो तुम, ये तो मैं जी रहा हूं ना। गलत क्योंकि टाइम सेवर में नहीं पढ़ाता। अच्छा, गलत क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आरडीएस पहला देखो एच नहीं OPH जुड़ेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, इसको देखो, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। जैसे कोई कार्बोकेटायन है, अब इस पर क्या होगा? OPH ऐसे आके जुड़ता है, पहले PHOH जुड़ जाता है, पहले PHOH जुड़ जाता है, O के और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, अरे हाँ कि ना, और फिर लास्ट स्टेप में H+ यहां से चला जाता है। लास्ट स्टेप में क्या होता है बोलो? H+ चला जाता, इसलिए मैंने डायरेक्टली OPH जोड़ दिया है। आप समझ रहे हो? OPH जोड़ दिया है, OR जोड़ दिया है, OH जोड़ दिया है, लेकिन वो होता लास्ट स्टेप में, होता है लास्ट स्टेप में। अब तो क्लियर हो गया सबको, ठीक है, आज ही रिवाइज करेंगे सब लोग। अगर कुछ गड़बड़ है तो देखो, मैं आपकी मदद कर सकते, ठीक है, मैं आपके दिमाग में नहीं घुस सकता हूं। आई कैन ट्राई माई बेस्ट। यहां से जाने के बाद में भी एफर्ट करने हैं आपको,
पर मैं आपके सामने ले आऊंगा सारी चीजें, क्या क्या पढ़नी है, किसको पढ़ने से क्वेश्चन होते हैं, यस और नो, हो गए? बताओ बताओ बताओ, 1 2 3 सब लोग करें स्टार्ट। ये बच्चों यहां कार्बोकेटायन बनेगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, नंबर वन, ये बनेगा नंबर टू, ये बनेगा नंबर थ्री, बोलो ठीक, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? सेकंड बताओ, ये वाट लगा देगा, माइनस एम, ये लगा देगा प्लस एच, ये नंबर वन क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये नंबर टू और ये नंबर थ्री, बोलो हाँ, अरे हाँ कि ना, ओके बड़े आगे, ओके। इसके बाद बच्चों अल्कीन क्यों, एक तो क्या है, सुनो सुनो सुनो, एक तो क्या है, ये sp2 कार्बन, ये sp है, तो ये sp मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये धन्ना सेट मतलब ये कि मारवाड़ी सेट है, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, क्या बोलेगा इलेक्ट्रॉन, जाने नहीं देंगे तुझे, क्या बोलेगा? दूसरी बात, अगर कहीं कार्बोकेटायन बन भी गया तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी, तो दोनों कारण के चलते, एक तो ये इलेक्ट्रॉन से बोलेगा जाने नहीं देंगे तुझे, दूसरा कार्बोकेटायन भी इसका लेस स्टेबल है, इसलिए अल्कीन और अल्काइन के कंपैरिजन में रेट किसका ज्यादा होता है? बच्चों इन सारी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्यों एडिशन कहते हैं, क्योंकि ऐड हो रहा है, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, और इसीलिए इनको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ई ए आर, क्या लिखते हैं बोलो, ई ए आर, ई ए आर, ठीक है, ईयर नहीं ई ए आर। तो अब मैं चाहता हूं कि अब आप लोग ये क्वेश्चन करें, आपको कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं, आपको इंटरमीडिएट लिखना है, आंसर नहीं बताना है, अब तो लिखना ही पड़ेगा। आगे बढ़े, कर लिया सालों पहले इस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है, सालों पहले इस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है, बताओ, थ्री, वो तो देख लिया था आपने, पहले देखो अल्काइन पे रिएक्शन किसकी, HCl की, HCl की रिएक्शन कैसे करानी है, एक तरफ H+, हाथ से नहीं दिमाग से, ठीक है, तो Cl कहां जुड़ेगा, ठीक है, Cl यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा, ओके क्लियर है, आई एम वेरी एंग्री, इसमें कोई डाउट, फिर हम एच आई जोड़ेंगे, तो आई कहां जुड़ेगा, यही जुड़ेगा बीच, क्योंकि कार्बोकेटायन बीच में बनेगा, कार्बोकेटायन बीच में स्टेबल बनेगा, ठीक है, तो आई माइनस यही जुड़ेगा, समझ में आया, तो जिसपे पहले हेलोजन जुड़ता है अल्काइन में उस पर बाद में भी जुड़ता है, ऐसा एनसीईआरटी में भी दिया, अगर हम HCl एक्सेस में ले लेते हैं तो दोनों Cl बीच में आते, क्या आंसर आता, ये आता, जेम डायहैलाइड बनता है, इसको क्या कहते हैं, जेम डाय, समझ गए, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा और ट्विस्ट करके पूछा था, थोड़ा और ट्विस्ट करके पूछा था, ठीक है, बदमाश नहीं था, घर से लड़ाई, ठीक है, ये करो जल्दी, ये करो, और स्टेप्स लिखनी है, स्टेप्स मैं बोलो, लिखो जल्दी, मन में स्टेप्स लिखनी है, लिखो, क्वेश्चन किसका, साला मंकी बन गया है तेरी, ये मंकी बन गया है तेरी, ये जंपिंग कर रहा है तेरी, अरे पर ठीक है ना, आपको समझ में आ गया, अब लाभ बाल की खाल निकाल रहा है, आगे बढ़े, पहले क्या बनाओगे, ठीक है,
उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट ये बन जाएगा। सबने बनाया, उसके बाद बच्चों बी आर माइनस जोड़ दे। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है एग्जाम का, थ्योरी बाहर से नहीं आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी है। कंटेंट में इतना दे दूंगा आरआरसी में भी कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाए, मानते हो गए नहीं बात। आंसर क्या आएगा, सिंपल वन, ठीक है सिंपल वन। एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन करो। सबका सही है, करीम खान का सही है, सेजल सिंह का सही है, जया निगम का, सिजोल नंदा का सही है, मनाली का सही है, करीम खान का एक्सप्लेनेशन तो बहुत सही है, और इंटरेक्टिंग स्टूडेंट बढ़ो सी पक्का। मुझे मुझे आपकी नोटबुक में स्टेप्स चाहिए, स्टेप्स चाहिए, ठीक है करो, मुझे आपकी नोटबुक में स्टेप्स चाहिए। आइसक्रीम भी मिलेगी, पहले ये क्वेश्चन करो। अभिषेक राज वेरी गुड, कर लिया। इतनी दूर से क्या मैं उल्लू हूं क्या जो दूर से ऐसे देख, नहीं नहीं वो क्या कहते हैं, बाज 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 हूं क्या? हो गया। आगे बढ़े, लड़ाई तबीज का भी आंसर। सब लोग बच्चों इंटरेक्ट करते रहो, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी मन से जुड़े रहो, क्लास में मन से जुड़े रहो। ये है क्वेश्चन, सबसे पहले क्या होगा, एच प्लस जुड़ेगा तो कार्बोकेटायन ये बनेगा। बोलो ठीक, अब क्या करें? इट इज क्लियर, मिथाइल शिफ्ट कराएंगे, थ्री को जोड़ेंगे वन से, टू पर लाएंगे प्लस, मजा लीजिए। अब तो नहीं हो सकता, यहां पे लाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं, बराबर अल्फा एच आएंगे। अब क्या करेंगे बोलो, आई माइनस को यहां जोड़ेंगे, मजा लीजिए। ठीक है आंसर सी, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कंफर्म, कुछ कॉन्फिडेंस भी आ रहा है आप लोगों में। अपर्णा का बिल्कुल सही, मैकेनिज्म के साथ लिख दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। सबका आंसर सिजोलंदा आशी करीम खान सबका सही है। ठीक है बच्चों, ये करो जरा क्वेश्चन, देखें आप कितना सही करते हो। मजा आया, ऑप्शन मैंने देना ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं देना आप। अगले पेज पर है, कॉपी में लिख, बोल रहा है बस, बोले जा रहा है, लिखो कॉपी में। इतनी दूर से मुझे दिखता है क्या? मिथाइल शिफ्ट होगा, माइक्रोस्कोप से नहीं टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप। हो गया, करें स्टार्ट। सबसे पहले H प्लस जोड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे, यहां कार्बोकेटायन। बोलो ठीक, बनाया कि नहीं? मैं कह रहा हूं बेसिक्स से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स से हजारों क्वेश्चन बना दूं तब भी गलत कर दो आप। टाइम से, और मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है तब भी गलत कर दो ढंग से पढ़ने के बाद, और ये पढ़ के भी सही करके आ जाओ, क्या कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थ्री को जोड़े वन से, टू पर लाए प्लस चार्ज, मजा लीजिए। अब बोलो ठीक, अरे हाँ कि ना? और उसके बाद ओए जोड़ देंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? आई एम इंटरेस्टेड इन द मेजर प्रोडक्ट, यहां ओए आ जाएगा। क्वेश्चन इज आस्किंग ओनली मेजर प्रोडक्ट, आंसर तो वही है, थ्री आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। यस जया निगम, वेरी गुड अभिषेक राज, सो नाइस ऑफ यू, मोस्ट स्टेबल है। यस, कोई लोग ऐसा भी बोलो सर ये कमी आपके अंदर दूर कर दीजिए, तो वो भी लिखा करो। ठीक है, नहीं नहीं कुछ तो होगी, ये करो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे स्टेप्स चाहिए, हाँ कोई बात नहीं, स्टेप्स 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 चाहिए मुझे, मुझे आपके नोटबुक में स्टेप्स चाहिए। कुछ गड़बड़ है बेटा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहां परोक्साइड आएगा। अब ठीक है ना, अब हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा नई चीज है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए, पता है ना आपको? करो जल्दी करो, आ गया। अगर हम बच्चों परोक्साइड ले लेते हैं तो क्या होता है? एंटी पे लगता है, जैसे मान लो ये लिया हमने, तो HBr लिया इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। ठीक है, ये वरदान केवल HBr को मिला है,
HCl को, HF को, HI को नहीं मिला है। तो BR कहां जुड़ता है? उल्टा, मार्कोनी कॉप का उल्टा, उल्टा कर देंगे मार्कोनी कॉप को, ठीक है। मतलब एच तो यहां लगाएंगे, बी आर यहां लगाएंगे, बोलो ठीक है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? परोक्साइड इफेक्ट। क्या कहते हैं? परोक्साइड इफेक्ट। यहां क्या कहते हैं? खराश। ज्यादा खांसो मत, एक बच्चे का फेफड़ा बाहर आ गया था, चम्मच से अंदर करा मैंने, परोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, या इसको क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनी कॉप रूल, मार्कोनी कॉप रूल। अब बताओ, ऑफ कोर्स चम्मच से, ठीक है। अब बताओ वाई क्या बनेगा? ए, वाई क्या बनेगा? CH3, CH2, CHH, CH2Br, बोलो ठीक। आया मजा? अब ब्रोमीन भूरा लाल जी अच्छे लिविंग ग्रुप है। क्या है लिविंग? लिविंग ग्रुप जानते हो? तुम तो ठहरे परदेसी, समझ गए? साथ क्या निभाओगे? तो क्या होता है इसमें? ETO माइनस, न्यूक्लियोफाइल की तरह आता है, इसको भागा देता है, ठीक है। पहले ये आगे कहता है थोड़ा जागा देना, जागा, और फिर उसको भगा देता है, ठीक है। तो यहां पर कितने कार्बन? बोलो चार, और OET, ये आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या बोलते हैं? SN2। अरे इसको न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो, BR को हटा दो, कार्बोकेटाइन कहां बना? शिफ्ट तो तब होगी जब कार्बोकेटाइन बनेगा, BR निकलेगा तब, जब SN1 होगा तब होगी। 1 डिग्री में क्या होती है? SN2 होती है, SN2 में तो कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, ठीक है। ये लराइव तभी बोल रहा है स्पून फीडिंग हो गई, पार्ट टाइम सर्जन, यस। ये देखो बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर भी करा, अनिश कुमार ने, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। सो नाइस ऑफ यू, बेड़ो मेरा बच्चा है, तो बेड़ो गॉड ब्लेस यू, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहां से आया? ये न्यूजीलैंड से नहीं, अच्छा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप कर लोगे, छोड़ दूं क्लास में कराऊं? इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें HBr आएगा, ठीक है, HBr आएगा, ठीक है। आप कर लेना इसको, ओके, इसको भी कर लेना आप, ठीक है। HBr इसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना, जेई मेंस वाला कौन सा? चलो ये करो, चलो ये वाला कर लो, है ना, आपको भी लगाओ जेई में हमारा लेवल से बहुत ज्यादा है, आपके लेवल से बहुत कम लेवल है इसका, आराम से हो जाएगा, करो। गुड लिविंग ग्रुप, क्या हाँ बोलो ना, बोलिए ना। अभी मैं बेटा SN1 SN2 का रिवीजन कराऊंगा ना, इंटरमीडिएट SN2 में नहीं बनता है, डायरेक्ट रिएक्शन होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN1 में बनता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। तेरी तो मुझे ऑप्शन चाहिए मुझे ऑप्शन, एक बार जरा चेक कर ले, बोलो। तो पहले क्या करें? बोलो H+ जोड़े, यस और नो? H+ जोड़े तो क्या बनेगा? बोलो ये बनेगा, बोलो हां कि ना। आया मजा? अब अल्काइल शिफ्ट, अल्काइल में एक ही हमारे पास मिथाइल, इसको जोड़ दे 1 से, टू पर क्या ले आए? प्लस, हाइड्रोजन है ही नहीं, उसके बाद क्या करें? बीआर माइनस जोड़ दें, मजा लीजिए, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा डी आंसर, यह सबने सही करा है, ठीक है। करीम ने सही करा, अरुण ने, तेंजीन ने, आशी पटेल का भी आंसर आया, वेरी गुड। सेजल सिंह ने सही किया है, बड़े आगे कर लोगे ना? अच्छा था क्वेश्चन, किस ऐसा लग रहा है सर? हमको लग रहा है हम क्वेश्चन रट रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा? ठीक है, अब ये कर लोगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों नॉन क्लासिकल, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं
जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, जैसे Br2 भूरा लाल जी, जैसे Cl2 कन्हैया लाल जी, जैसे I2 ठीक है इडियट इडियोटिक लाल जी, माय गॉड होकल ओबर हुई, ठीक है BrCl ICl IBr In3 और NOCl। बच्चों मैं आप लोग बोलोगे सर ये आपको याद कैसे रहते, मैंने रटे हैं, ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, ठीक है Br2Cl2I2HOCl HBrHO IBrCl IBr NOCl IN3, ये सब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन रिएक्शन करते हैं। नॉन क्लासिकल मतलब क्या? पार्शियल कार्बोकेटायन मतलब क्या? जो पार्शियल होगा वो रीअरेंज करे, यह हो नहीं सकता, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, बोलो ठीक। तो मैं क्या बोल रहे हैं, हमने लिया एक अल्कीन, इस पे रिएक्शन कराई भूरा लाल जी की, सॉल्वेंट लिया CCl4 जो इनर्ट है, ठीक है, ऑनलाइन में सब स्टूडेंट यस अपर्णा का बिल्कुल सही आंसर है, तो हमने ये लिया। अब हमने जब इसकी रिएक्शन को कराया तो ये जो भूरा लाल जी है Br2 मॉलिक्यूल है ये पहुंचे अल्कीन के पास और अल्कीन ने कहा हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, क्या कहा? हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, ठीक है। तो भूरा लाल जी जो है अल्कीन की तरफ अट्रैक्ट हुए और आपस में जो इनकी दोस्ती थी पहले ये चले आ रहे थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जैसे ही इसने अल्कीन को देखा तो इसके मन में आया कि अल्कीन से बॉन्ड बनाना है, तो ये दूसरे एटम से बोलेगा क्या बोलेगा? नहीं नहीं इस पे क्या बोलेगा इस पे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो Br+ जाके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, और ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा और Br- हो जाएगा बाहर, ठीक है, Br- हो जाएगा बाहर, इज इट क्लियर? लेकिन बच्चों ये दो दो कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ऐसी चीजें ज्यादा दिन चलती नहीं है, समझ में? और कार्बन वो ठीक है कुछ भी बोलेगा लेकिन देवसेना तो ठीक है, ओके, तो जो Br- है वो बोलेगा हमको कार्बोकेटायन चाहिए, क्या चाहिए? कार्बोकेटायन चाहिए, लेकिन कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल कहां है, यहां या यहां? तो जहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है वहां कौन जाएगा? Br-, और इसे इंस्ट्रक्ट किया जाएगा अपनी सीमा में रहे, आप एक कार्बन अपनी सीमा के साथ बॉन्ड बनाए और इस तरीके से ये दोनों हैप्पीली जीवन व्यतीत करेंगे। अब बच्चों किसी नए स्टूडेंट को क्या लगेगा कि यार ये तो वही रिएक्शन है जो अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है, भूरा लाल जी पिघल गए और बॉन्ड तोड़ दिया, यस, अच्छा तो तुम हम चलते हैं, हाँ ये बोलेगा, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा बहुत अच्छा है, अच्छा है बहुत अच्छा है। अब ये है बच्चों साइक्लिक कार्बोनियम आयन, ठीक है, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इतना आज तक क्वेश्चन कभी डिटेल में आया नहीं है, एक ही क्वेश्चन आया है वो मैं बता रहा हूं कि नीट में क्या आया, ठीक है, मगर ये 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब किसी नए बच्चे को क्या लगेगा कि यार Br+ और Br- ही तो जोड़ा है, तो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वही तो किया है, एक कार्बन से जुड़ा है Br+, एक से जुड़ा है Br-, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, और इसमें बिंदास लगाओ मार्कोनिकोफ रूल, क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है, इसीलिए इसमें आराम से हम कार्बोकेटायन का मतलब मार्कोनिकोफ रूल को लगा सकते हैं, आया समझ में? मगर इसमें कुछ अलग बात तो है, अलग बात यह है कि यह कार्बोकेटायन थोड़ा चंचल है, यह इतनी आसानी से रीअरेंज नहीं होगा, ठीक है, ये जहां है वहीं पड़ा रहेगा, अनस्टेबल है तो अनस्टेबल ही सही, लेकिन ये रीअरेंज होने वाला नहीं, रीअरेंज होने से पहले Br- यहां आ जाएगा,
आई होप इट इज क्लियर बच्चों. ये जो BR2 है ये भूरा लाल जी है. क्या है? भूरा लाल जी. बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, वो कंप्लेंट करते हैं. इंग्लिश में लिखता हूं इसको मैं रेडिश ब्राउन. तो जैसे जैसे ब्रोमीन रिएक्शन करेगा अल्कीन के साथ, ब्रोमीन का कलर थोड़ा फेड होता जाएगा. क्या होता जाएगा? फेड होता जाएगा. और इसीलिए इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट. बोलो मैंने कितना खींच लिया आज? खींचा कि नहीं सिलेबस? ठीक है, इसको कॉपी तो नहीं करना चाहते हो? आगे बढ़े. स्पाइडर क्वेश्चंस कराता हूं मैं इसमें, है ना? बिल्कुल कराना. बस दीदी का सावन थोड़ा स्लो है. ये क्या लिख रहा है? ना ना, आपको कोई कैसे कह सकता. एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके अपन, है ना? छोटा सा क्वेश्चन है, देखना. अभी पहले पूरा बना लूं मैं. Cl2 I2 HOCl HOBr HOI IN3. ठीक है, आज ज्यादा तो नहीं पढ़ाया मैंने. BrCl ICl IBr और कुछ छूट तो नहीं गया? सब हो गया. NOCl. अब जरा बच्चों फटाफट स्पाइडर के आंसर लिखना. फिश फिश जल्दी करो. भूरा लाल जी, भगोड़ा लाल जी बन गए. मजा लीजिए, मजा कमेंट आ रहा है. अनुराग भारद्वाज, नॉन क्लासिकल बिल्कुल आपकी तरह लर्न हो गया है. मेरी तरह लर्न हो गया मतलब? अच्छा मैंने जो बोला. अच्छा 21 लास्ट. 21 लास्ट मतलब क्या था? 21 लास्ट क्या? 21 लास्ट मैं नहीं समझा. 21 का क्वेश्चन, हाँ ये वाला. अच्छा जेई मेन का क्वेश्चन था. अच्छा हुआ नहीं क्या ये? सेजल सिंह, ठीक है. ब्रोमीन वाटर टेस्ट. ये तो अनारकल शशि, साले अनारकली किसको बोल रहा है? टाटे बायो और पढ़ाई है, वो कर रहा हूं मैं, चल रहा है. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. ठीक है, आंसर लिखो. हो गए सारे? हाँ 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 फिर आगे जल्दी जल्दी बोलते जाओ. इसका कोई लेना देना नहीं रेडिश, वो तो ब्रोमीन का ही है लेना देना, वो ब्रोमीन का है. लेकिन ये रिएक्शन का मैकेनिज्म या पाथ तो सेम ही है. ये मॉलिक्यूल जब आएंगे ना न्यूट्रल, तो हमें पता चलेगा कि ये नॉन क्लासिकल. इसलिए तो लिस्ट पहले बनाई है. ठीक है, बीआर का, सीएल टू का, आई टू का, HOCl का, HOBr का, सबका रिएक्शन कराएगा एनसीसी, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन. ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एनसीसी, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन. ठीक है, जल्दी जल्दी. हाँ जल्दी जल्दी, बहुत रिवीजन करा दिया आज. आज लगा आपको कि एनजी सर पढ़ा लेंगे, कंप्लीट कर देंगे कोर्स, लगा? आपके तो भाई वो नहीं आ रहे हैं क्लास में, पिछली क्लास में भी नहीं आए. और फिर जो वो पिछली क्लास में छूटा है वो फिर आगे कवर करें. कर लिया? ठीक है, आगे बढ़े. क्या आंसर बोलो? ये तो बना लिया होगा. Br प्लस Cl माइनस, I प्लस Cl माइनस, I प्लस Br माइनस. ये कैसे टूटेगा? NO प्लस Cl माइनस. ठीक है, ये कैसे टूटेगा? Cl प्लस Cl माइनस, ये I प्लस I माइनस, ये OH माइनस Cl प्लस, ये OH माइनस Br प्लस, ये OH माइनस I प्लस, ये I प्लस N3 माइनस. बोलो ठीक, आगे बढ़े. सो आंसर लिख रहा हूं मैं, चेक करी. अब तो चेक करने की भी क्या जरूरत है? तो यहां जुड़ेगा भूरा लाल, यहां कल्लू. ठीक है, यहां क्या जुड़ेगा बोलो?
सीएल सल्लू, ठीक है, यहां पर इडियट, ओके, इसमें कोई डाउट? ठीक है, यहां क्या जुड़ेगा? बीआर, और यहां क्या जुड़ेगा? आई, बोलो, ठीक, यहां क्या जुड़ेगा? बोलो, पीएच सीएच थ्री, यहां क्या आएगा? सीएल माइनस, यहां क्या आएगा? नो, ठीक है, यहां क्या आएगा? बोलो, यहां क्या आएगा? बोलो, सीएल, यहां क्या आएगा? सीएल, ठीक है, यहां क्या आएगा? पीएच, इजी है, इजी, ठीक है, आई, ठीक है, इसमें कोई डाउट? यहां क्या आएगा? पीएच सी सी एच थ्री ओ एच, यहां क्या आएगा? सी एच टू सी एल, ठीक है, यहां क्या आएगा? पीएच सी सी एच थ्री ओ एच सी एच टू बी आर, आई एम सॉरी, ठीक है, यहां पर आएगा पीएच सी सी एच थ्री ओ एच सी एच टू आई, बोलो, ठीक, यहां पर आएगा I प्लस और N3 माइनस, बोलो, ठीक, ओके, ऑल गुड, नो टेंशन, आगे बढ़े, चार्ट बना लियो, ठीक है, मैंने तीन चार्ट दिए थे तीन बच्चों को, एक बच्चा गया घर पे टेबल के ऊपर चिपका दिया पढ़ रहा है, दूसरे बच्चे ने घुड़ी मुड़ी करी बुक में घुसाया, बुक अंदर, चार पांच बुक उसके ऊपर आ गई, तीसरे बच्चे ने क्या करा, बहुत धूप आ रही कांच पे, कांच पे चिपका दिया और सो रहा पलंग पे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आगे बढ़े, तो ये बच्चों एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ये करो, ठीक है, जल्दी से, व्हाट द हेल इज डीयू, देयर इज नो नथिंग लाइक डीयू, ठीक है, 2016 में एग्जाम में आया है, ये करो, सबसे पहले तो रिएक्ट मोस्ट रेडली विद ब्रोमीन, सबसे पहली बात अल्कीन होना चाहिए या अल्काइन होना चाहिए, यहां तो अल्कीन या अल्काइन, अब इसमें देखो C4H10 में DU क्या? जीरो, तो ये अल्केन है, इसके बारे में सोचना गुनाह है, एक गुनाह है, दो गुनाह है, ठीक है, गुनाह, ओ आई एम सॉरी, अल्केन, तो इसके बारे में सोचना गुनाह है, ठीक है, इसको छोड़ो, ये अल्काइन, अल्काइन का रेट स्लो होता है, मैंने बताया अल्कीन का फास्ट होता है, तो हमारे पास यही दो ऑप्शन बचते हैं, एक C3H6, क्या चल रहा है भाई, फॉग, और एक ये, इन दोनों में से रेट किसका फास्ट, तो आंसर ये थ्री हो जाए, अब समझ गए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, फोड़ के आओगे, नीट का एग्जाम बहुत सिंपल होता है।